रही और आपका आज ऑडियो लेकर उसका टाइटल है भाई, टाइटल है छे छे गोली वाले बाबा कॉमेडी की जोड़ी नंबर वन, गोविंदा संजय दत्त टीकू डबल धमाल कॉमेडी पार्ट वन। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो से पहले। इस चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब या लाइक शेयर को फॉलो करें। चैनल को उसके लिए मैं लोग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब या लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, अब मैं क्या हम क्या करे। ओए होल्ड यार होल्ड, ब्यूटीफुल कुड़ी तो क्लीन बोल्ड पाजी। मैं क्या तर पाजी। हाँ जी तुसी ये पकड़ो। हाँ जी मैं ट्रेन का पता करके आ रहा। हाँ पाजी बट टेक केयर। ओके ओके तुम्हें कह दो पाजी जा। मैं क्या तुसी इत्थे ही बैठो। आई नो क्या करे। मैं क्या हम क्या कर रहे। और महाराज की हो रहा है। हाँ कोई सर्कस वर्कस आया है, कोई जादूगर वादूगर आया है कि फिर कोई फ्लॉप पिक्चर लग रही है। इस वक्त दो चोर अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। अच्छा अरे बदमाशों ने सारे शहर की पुलिस और शहरियों की नींद हराम कर दी है। अच्छा देखोगा। अच्छा दिखाई दे। चल फिर इनाम है इनके ऊपर, मिल जाए तो आप खाइएगा, थोड़ा हमको भी खिलाइएगा। ओह माय गॉड। मैं क्या यार मैं क्या सर ए तोड़ी कुड़ी है। नहीं 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 मेरी कुड़ी नहीं है, लेकिन तू मेरा दामाद जरूर है। सानू आशीर्वाद दो। जीतो जीतो खुश रहो। मेरा एक और दामाद है, नजर नहीं आ रहा किधर है वो। मैं नहीं बताऊंगा। मत बता मत बता, मुझे सब है पता। तुम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। तुम दोनों में से अगर एक को पकड़ा जाए ना तो दूसरा खुद आके अरेस्ट हो जाता है ना, है ना। चलो जी आओ जी आओ। ले जा अच्छी टोपी है, किसको फिराई। चल इधर सर इधर आओ जी आओ। गाड़ी में होंगे। हम क्या सत्याकाल कर पाजी। हां जी तुसी इतना बड़ा रिस्क लेके मेनू बचा लिया है। ओए मैं कहता हूं सितारा पाजी रिस्क नहीं वड्डा है, ओए हमारा रिश्ता वड्डा है। ओए सारी दुनिया जानती है कि तारा सितारा दो जिस्म ते एक जान है। तारा पाजी हां जी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। ओए की होना, मेनू कुछ नहीं होना है। और तुसी बताओ कि अगर आपकी जगह मैं होता तो आप क्या करते। तारा पाजी जीप तो क्या, मैं तुम्हारे लिए ट्रेन पजा के ले जाता। पाजी गई ना घंटी। हां जी सितारा पाजी। हां जी आज ना मैं आपको अपने दिल की बताना चाहता हूँ गल। दसो सितारा पाजी। हैं जी आई रिस्पेक्ट यू लॉट यार। ओए गड्डी चला यार। मैं गड्डी छोड़ा, मेरा इमोशन देखो यार। गड्डी चला। मैं तो आई यार ब्रदर, आई एम गॉट रिस्पेक्ट। गड्डी चला, आई कांट होल्ड यार। मैं क्या पाजी। हां जी ओ गड्डीज कौन है, कुड यू एक्सप्लेन प्लीज। पाजी आई थिंक सो स्ट्रांग फॉर इन द आयरन। ओके मेजर राम सिंह आ गया। इस बंदे को राजू नेपाली कहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सत श्रीकाल। ये इलाका पार तुम्हें सिर्फ दो ही आदमी करा सकते हैं। हाँ जी एक मेजर राम सिंह। हाँ जी कराएगा नहीं। हाँ जी हाँ जी और दूसरा मैं खुद। हाँ जी और मैं ये काम सिर्फ पैसे लेके करता हूँ। नई बात बोल रहा है। कितने पैसे लोगे महाराज। दो के दो लाख। हम लोग इलाके की प्राइस नहीं पूछ रहे, इलाका क्रॉस करने की प्राइस पूछ रहे हैं। ये इलाका क्रॉस करने की ही प्राइस है, जब पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो आ जाना, राजू नेपाली तुम्हें यहीं मिलेगा। अच्छा नेपाल भी साइड भी जा रहे हैं। जवाब भी नहीं, बड़ा रुखा आदमी है पाजी। है जी इस इलाके में 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कहाँ से होगा, यहाँ तो कोई अपना भी नहीं है। है जी मैं क्या बैंक आ गया। ओ पाजी पाजी पूरा करे साडा सपना, क्योंकि ये बैंक अपना। पाजी की लगता है 2 लाख का चक्कर चलेगा साडा। लेट अस गो इनसाइड एंड चेक द कैपेसिटी। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। अकाउंट खुलवाना है आपको। नहीं जी लूटना। लूटना है बेवकूफ। दो इतने बड़े बिजनेसमैन अकाउंट नहीं खोलेंगे तो और की खोलेंगे। पैसे बहुत है ना। अच्छा अच्छा पाजी इफ यू वांट टू ओपन अवर अकाउंट विद 1 करोड़ रुपीस। एक 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 भाई साहब एक पे ऐसे अटक गए जैसे 1 करोड़ रुपए इन्होंने टुगेदर कभी नहीं देखी। नहीं नहीं देखा। नहीं नहीं हमारी बैंक में मुश्किल से 20 लाख रुपया होता है। ये तो बहुत ही छोटा बैंक है। छोटा बैंक नहीं है भाई। सुनिए सुनिए नहीं समझ गए, गलती हो गई। वही गया 1 करोड़ रुपया गया। आज बैंक में कमाल हो गया। 2 कस्टमर आए, उनको है ना अकाउंट खोलना था 1 करोड़ रुपए से।
मैं गधा ये बोल गया कि 20 लाख से ज्यादा हमारे बैंक में होते ही नहीं है। ओफो। दोनों निकल गए। मैनेजर साहब, इतनी रात गए कौन आया होगा? ऊपर वाले के नाम पे दे दे। अरे ये कोई वक्त है भीख मांगने का? चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। अरे हम लोग भिखारी नहीं है, तुझे भिखारी बनाने आए हैं। मगर आप लोग है कौन? अरे इधर देख लो, इधर 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 देख, पहचाना नहीं है? बड़े बाबा है, मैं छोटा बाबा, छे छे गोली वाले बाबा। तमीज से रहने से आशीर्वाद मिलेगा। छोटे बाबा जी, बाबा सुंदर कुड़ी यार। ओए किथे आए? ओए बाबा जी, बाबा ये कैसी बदतमीजी है? डैड फौरन पुलिस को फोन कीजिए। फोन तो आपका हमने पहले ही डैड कर दिया। बोलो तो डैड को भी। डैड की करे यार? नहीं डैडी जी, इधर आ जाओ, गल करने दो उनको। तुसी सैड ना हो, असी तो तुहानू देख के पहले ही मैड हो चुके हैं जी। ओए देखा, ओए आपकी कुड़ी ने हमारे बाबा का दिल लूट लिया, अब हम भी लूटेंगे आपकी बैंक। हाँ, रात को यहीं सो जाएंगे और सवेरे पूजा के बाद आप हमें खुद बैंक ले जाएंगे, खुद अपने हाथों से बैंक लुटवाएंगे, फिर बाहर भी छोड़ के आएंगे और दुबाद पुलिस क्वेश्चन आंसर जी न्यूज, आज तक बहुत नाम हो जाएगा। आप खाती रहे बाबा जी, बाबा जी खीर ते आलू ते गोभी ते पराठे, खुश रहे, वक्त हमारा हम चैन से खाएंगे। मैं क्या? मैंने बनाई, आप लेंगे? फड़ा फड़ा ला फड़ा। मैं क्या बाबा जी, तुसी खाओगे? मैं ते खा लिया यार, तू खा ले। अच्छा वो नॉन फैटनिंग है, ये फैटनिंग है? तुसी पतले थे, मैं मोटा। अच्छा, मैं क्या, तू खड़े होके थे की कर? हाँ। बैग लिया यार, बैंक लूटना है, बैंक यार, समझे कर। क्या बैंक के साथ ही रहते हैं? और देखो तीन बाहर जड़ा हुआ है मोदो बैंक दिन है। क्या पता लेट जा रही हो? रो रहा है क्या? हंस रहा है? की कर रहा है यार? जल्दी करो ये पुत्र, जल्दी करो, पता है ना कौन है? सच्चे गोली वाले बाबा। जल्दी करो नहीं तो आशीर्वाद मिलेगा, समझ गया? चलो। तो यार कैसे रो रहा है यार? एक गल सुन, एक गल सुनो, एक गल सुन, तू ऐसी भैड़ी शक्ल बना के क्यों रो रहा है? फिर रो रहा है? चलो हो गया, तुसी मेरे नाल भाग चलो प्लीज, बहुत रुपया है, बहुत सुखी रखूंगा, आई प्रॉमिस। घबरा मत बाबा। एक तो मेरे बैंक का सारा माल लूट लिया, ऊपर से मेरी बेटी को भी भगा ले जाना चाहते हो? चलो जल्दी आओ, चलो पुलिस आएगी। चलो भाई। भाई क्या, भाई बैंक लूटा है, हम लोग डाकू है इसलिए। चलो ओ नहीं, चल ओ मेरे बड्डे भाई। ले गया सारा माल, ले गया। क्या मजे की एक्टिंग है वो की है। और जो स्टार्टिंग में जो सीन है ना, जिस तरह पुलिस वाले बैठ के पेंट कर रहे थे, खैर वहां पे भी तो वो लड़कियों को ही ताड़े थे। हाँ। लेकिन तारा तारा और सितारा तो पकड़े गए थे ना? नहीं बताइए, तारा और सितारा दोनों नाम से, नाम कितना मजे का रखा ना, तारा और सितारा की। ये वाली उन्होंने एक कर ग्यारह, ओ मेरे यारा, बहुत मजे की मूवी थी। लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पर जितनी भी कॉमेडी मूवीज बनी है ना, उनकी डायलॉग डिलीवरी देख लो, उनके डायलॉग देख लो, मतलब उतना हंस हंस के पागल हो जाता है, इतना मजा आता है देखने का। और भाई अगर हम गोविंदा सर की बात करें, उनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, नो डाउट। मैं कहूँगी कि संजय दत्त सर की कॉमेडी भी बहुत अच्छी लगती है, लाइक हमने उनको काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में देखा है, मतलब कॉमेडी रोल्स में, और बहुत अच्छे से निभाते हैं। बट ये मूवी मैं कहूँगी कुछ खास ही किस्म की मूवी है। कोई शक नहीं, मूवी जो थी ना उस टाइम की जो कॉमेडीज होती थी, अभी देखें ना जैसे वो वर्डों की राइम, चलो चलो ठीक है ना, तो वो एक राइम्स जो वर्डों के बनते थे ना, वर्ड्स के जो राइम बनते थे वो भी बड़े मज़े के होते थे। लेकिन बाकी जितने भी हम देखते हैं ना भाई, आपको स्पॉटिंग रोल्स जो है वो नज़र आते हैं, उनकी एक्टिंग भी जो है बहुत अच्छी थी। वैसे यूं घर आते छे छे गोली वाले बाबा यार, लेकिन बहुत संजय टीकू सर की भी ना बहुत अच्छी एक्टिंग होती है, लाइक जिस तरीके से वो मतलब थोड़ा अटक अटक के बात करते हैं जब रुक जाते हैं, और फिर उसके बाद एक थप्पड़ पड़ता है, फिर उसके बाद वो बोलते हैं एक 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 करोड़। वैसे सीरियसली मुझे लगता है एक्टिंग करना कोई इजी जॉब नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुरानी मूवीज जितनी भी कॉमेडी का हम लोग टाइम देखते हैं ना,
उसमें आपको स्टार कास्ट बहुत बड़ी नजर आती थी और मुझे लगता है उसको ज्यादा बंदा एंजॉय करता था। बिल्कुल, उसमें वही ना बात यही है कि इतने स्पोर्टिंग रोल्स होते हैं ना कि आपको जो है आप उस चीज़ को ना बहुत ज्यादा जो है वो एंजॉय करते हैं। वैसे दूसरे बाबा जी भी जो है वो भी प्यार में अंधे थे, उनका बस नहीं था चेहरा, वो साथ ही ले जाते हैं अमृता अरोड़ा को। इस मूवी में आशीष सर बहुत खतरनाक बने हुए हैं ना, वहां से तो कहानी जो वो स्टार्ट होती है। मुझे वैसे ना मूवी काफी हद तक जो है ना वो भूल गई हुई है, लेकिन जो है ना अगर थोड़ा बहुत मैं ज़ेन पे जोर दूं तो मेरा ख्याल है वो शायद जब ये जैकी श्रॉफ सर के घर जाते हैं तो काफी ज्यादा मिस यूज करते हैं इनका, है ना। क्योंकि मेरा ख्याल जैकी श्रॉफ सर है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस वाले बने होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ वो भी मेरे पुलिस वाले नहीं, मेरे मेजर तो वही होते हैं ना, मेजर होते हैं, लेकिन ये कि जो आशीष सर होते हैं वो बीच में विलेन होते हैं और मतलब पुलिस मतलब वो भाग जाते हैं, कुछ इस तरह का सीन होता है कि पुलिस भी पकड़ रही होती है। देखे ना जैकी श्रॉफ में मेजर राम सिंह बने हुए, इनके घर तो जाने के लिए बैंक लूटा है। एनीवे छह गोली वाले बाबा जो वही बने हैं, गोली वाले बाबा। हाँ लेकिन ये कि अभी मुझे ना मूवी देखे हुए इतना टाइम हो गया ना कि भूल गई नहीं मैं, लेकिन मुझे एक सीन याद है जहाँ पर आशीष सर जो है वो मतलब ऐसे उनको शायद पुलिस पकड़ के लेके जा रही होती है या मे बी मेजर ही पकड़ के लेके जा रहे होते हैं, कुछ इस तरह से होता है। तो दोनों बचाते हैं, नहीं है जंगल वाला एक सीन आता है उसमें भागते हैं पकड़े जाते हैं, फिर कुछ इस तरह से है शायद क्योंकि गुलशन ग्रोवर जो है ना वो उनको छुड़वाने के लिए आते हैं, इस तरह का भी एक सीन। वैसे स्टार्टिंग में मुश्ताक खान सर की भी अगर बात करें तो वो भी काफी अच्छे और मंजे हुए एक्टर हैं और उनकी कॉमेडी मूवी मेरी बेटी नहीं है लेकिन आप मेरे दामाद हैं। हां मेरे दामाद जरूर हैं। तो दूसरा कहां पे ये भी बताओ, वो भी काफी अच्छे एक्टर हैं। बिल्कुल। सो गाइस आप जरूर बताइएगा आप में से किस किसने मूवी देखी है और कैसी लगती है आपको ये मूवी, और इसी के साथ हमें दादा मार वीडियो में चैनल करें। बाय।